मुरादाबाद शिवसेना उत्तर प्रदेश द्वारा जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम सिंदोली में अनाधिकृत रूप से एक विशेष धर्म द्वारा कार्यक्रम को तत्काल रोका जाए। शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरैया ने बताया कि भोजपुर थाना अंतर्गत ग्राम सिंदोली में मोल बख्श ने जमीन खरीद कर आवासीय मकान बनाया था। मोल बख्श ने मकान में निर्माण कराकर उसे एक धार्मिक स्थल का रूप देने की कोशिश कर रहा है। उसमें आए दिन बाहर के संदिग्ध व्यक्तियों को बुलाकर धार्मिक कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामवासियों में रोष एवं भय का माहौल बना हुआ है। सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय और एसएसपी कार्यालय पर सूचना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय एसएसपी महोदय के ज्ञापन में थाना भोजपुर अंतर्गत सरावली गांव में नर्तक के रूप से नमाज पढ़े जाने व अन्य मुस्लिम धार्मिक कराए जाने पर रोक लगाने की मांग कर या तो कि सरावली गांव में नर्तक के रूप से कुछ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं व बाहरी लोग आकर नमाज पढ़ते हैं व अन्य मुस्लिम धार्मिक कार्य करते हैं, जिससे ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। ग्रामवासियों ने कई बार आला अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन थाना भोजपुर पुलिस कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ताओं को ही उनका झूठे केस में फंसाती है और झूठा केस में फंसाने की धमकी देती है। अन्य शिवसैनिक शीघ्र ही नमाज पढ़े जाने को रोकने की मांग करते हैं, अन्य मुस्लिम धार्मिक किए जाने की रोकने की मांग करते हैं। अगर शीघ्र ही नमाज पढ़ना नहीं रोका गया, अन्य मुस्लिम धार्मिक कार्य ये जाने पर रोक नहीं लगाई गई, तो शिवसैनिक आई जी कार्यालय मुरादाबाद व एडी जी कार्यालय बरेली पर धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रकार करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। जय हिंद। यहाँ का यहाँ पे जो है हमारे ग्राम सड़ावली में वहाँ पे एक जबकि एक मकान है, मकान में अवैध निर्माण करके नवाज अजान करने का प्रयास कर रहे हैं लोग जबरदस्ती वहाँ पर, जबकि पुलिस ने मना करी है, पुलिस के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। फिर जबकि कुछ समय पहले पीएससी भी यहाँ पर रह गई है, उसके बाद में मान नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती बाहर के लोग आके यहाँ पर अजान नवाज करते हैं और ये लोग झगड़ा करते हैं, शांति भंग करते हैं हमेशा। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, बस यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें और ये जो अवैध निर्माण है यहाँ पर ये बंद किया जाए।